भारतीय जनता पक्ष की ओर से महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय केनेकर व विजय सरोज इनके नेतृत्व में, महाराष्ट्र सचिव राकेश ठाकुर व विधायक अनिल सोले इनके हाथों मृणाल जगन यादव को विदर्भ प्रदेश चित्रपट अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। साथ ही आगे के कार्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी है। विधायक अनिल सोले व विदर्भ प्रदेश चित्रपट अध्यक्ष मृणाल यादव ने नाटक और इस विषय में कार्यरत सभी कलाकार व कामगारों को लॉकडाउन द्वारा पिछले 7 महीनों से बंद पड़े व्यवसाय से राहत पाने के लिए कार्य करने व बेरोजगार हो गए कामगारों को काम देने के लिए आश्वस्त किया व भाजपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारियों के सामने यह विषय पर चर्चा कर मार्ग निकाला जाएगा, ऐसा भी कहा। श्री मृणाल जगन यादव यांची भारतीय जनता पार्टी चित्रपट कामगार आघाडीच्या विदर्भ अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो। या क्षेत्रामध्ये विदर्भामध्ये काम करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे आणि या चित्रपटसृष्टीमध्ये काम करणाऱ्या या कामगारांच्या दृष्टिकोनातून एक संघटन अधिक मजबूत होऊन त्यांना कुठल्या पद्धतीची मदत आणि कुठल्या भविष्यातील योजना या आखायचं या दृष्टिकोनातून निश्चितपणे यादवांच्या नेतृत्वामध्ये चांगलं कार्य होईल। मी त्यांना त्यांच्या भाजपच्या चित्रपट कामगार आघाडीच्या कार्यकर्ता शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। इस समय स्वच्छ भारत अभियान दक्षिण से किशोर भांगड़े, गुड्डू गुप्ता, अतुल पांडे उपस्थित थे। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिज देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।